जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, शक्तियां प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। वो शक्तियां कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होती हैं। चाहे सुख हो, आनंद हो, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वे केवल और केवल अंतर का विषय हुआ करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही उपदेश देते हुए बताते हैं, यो अंतर्मुखो अंतरारामस्तथा अंतरज्योतिरेव ये स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यानी जो व्यक्ति अंदर के सुखों को प्राप्त करता है, अंदर से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, अंदर ही ज्योति को देखता है, इस प्रकार का व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप में सिद्ध होकर के और मुक्ति को प्राप्त होता है, वह पूर्ण योगी है। यह इस मंत्र का अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। परंतु अब आप सोच रहे होंगे कि यह अंदर की यात्रा की कैसे जाती है, अंदर के सुखों को ग्रहण कैसे किया जाता है। बस यही समस्या फिर आकर अटक जाती है। अब इसके बारे में तरह तरह के तर्क तो दिए ही जाते हैं और तरह तरह की विधियां भी हुआ करती हैं, जहां मूल आधार से सहस्रार तक अपनी शक्तियां कैसे ऊर्ध्वगामी होती हैं, उन शक्तियों के बारे में बहुत सी विधियां बताई जाती हैं। परंतु जो विधि आज मैं आपको बताऊंगा, वहां आपका बस थोड़ा ही ध्यान काम कर जाएगा। वो इसलिए कि मैं जो मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र से यदि आप अपनी शक्तियों का जागरण करेंगे तो वही सुख, वही अंदर की यात्रा और वही ज्योति के दर्शन आपको प्राप्त होने लग जाएंगे और आपकी शक्तियां अनंत रूप से बढ़ने लग जाएंगी। दोस्तों, अब छोटा सा आसान मंत्र है, बस इस मंत्र को बता देता हूँ, इसकी विधि बता देता हूँ, कर लेना, सारी शक्तियाँ यहाँ से प्राप्त होने लग जाएंगी। मंत्र है, उत्तिष्ठो भव उत्तिष्ठो भव सकल शक्ति विराजिता आज्ञा चक्रे पश्यत्वं ध्यायामि परमेश्वरः। बड़ा आसान मंत्र है। अब इस मंत्र को यदि आप अपने आज्ञा चक्र में यहाँ पर ध्यान करके यदि आप बैठ जाते हैं, आप बैठकर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, बस उस ध्यान के साथ में इस मंत्र को करना है। इस मंत्र का अर्थ यदि समझ जाएंगे तो बस आपको मंत्र पढ़ते हुए आपकी सारी शक्तियां उठने लग जाएंगी और आप को बिना मेहनत के आपको इतने ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सारे कार्य आपके बनने लग जाएंगे। जब शक्तियां एकत्रित होंगी तो सारे कार्य भी बनेंगे। उत्तिष्ठो भव यानी कि जागृत हो जाओ। अपनी शक्तियों के बारे में कहा गया है, सकल शक्ति विराजिता, जो मेरे शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं वे सब जागृत हो जाओ। अब इस प्रकार का आपने ध्यान करना है, अब जागृत हो जाओ तो आज्ञा चक्र पश्यत्वम, मैं आज्ञा चक्र में
तुम्हें देखना चाहता हूं, देखता हूं, मैं देखूं तुम्हें आज्ञा चक्र में। ध्यायामि परमेश्वरः, यानी मैं परमपिता परमेश्वर का ध्यान भी करता हूं, मैं परमपिता परमेश्वर का ध्यान करता हूं। मैं ध्यान करते हुए और इन शक्तियों को जागृत करके अपने आज्ञा चक्र में देखना चाहता हूं, मैं इन्हें आज्ञा चक्र में देखूं। यानी जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपकी सारी शक्तियां जो मूलाधार से उठेंगी वे आज्ञा चक्र में आने लग जाएंगी। और यदि यहां पर शक्तियां आ गई ना, तो समझ लेना कि आपके पास शक्तियों का भंडार हो जाएगा। जीवन में जहां जाएंगे मान सम्मान मिलेगा, कोई शत्रु नहीं रहेगा, किसी प्रकार के मुकदमे में आपकी हाँ को पराजय नहीं मिलेगी। आप जहां जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रयोग बहुत छोटा सा है, किसी भी दिन से प्रारंभ कर लेना, कोई दिन का विषय नहीं है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कभी कर लें, करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।